कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने जनता का किया आभार व्यक्त। लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 14 विधानसभा की जनता ने हमें अपना सहयोग प्रदान किया। चुनाव में अपनी बात को जनता के समक्ष उठाया, लेकिन दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत की बधाई दी। वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा, जीत हार का फैसला तो जनता ही करती है, लेकिन वो क्षेत्र की जनता के मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि 72 सूत्रीय मांगों के एजेंडे को केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। मांगों के क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अनेकों समस्याएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही वीरेंद्र रावत ने कहा कि हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर व्यापारियों के सामने आ रही समस्याओं को प्रमुखता से हल करने के प्रयास किए जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि हम कई जगह हमने धन्यवाद प्रस्ताव भी किया है जनता का और हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे सीनियर लीडर्स का, तो आज जो यहाँ पर प्रेस हमने किया है उसमें भी मैं आपके माध्यम से जो है जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत प्यार, बहुत प्रेम, एक छोटे से समय में एक छोटे से मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बहुत प्यार देने का काम किया। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनकी आशाओं पर नहीं खरा उतर पाया, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 5 वर्षों में जो है जो भी हमारे यहाँ चुनाव रहेंगे, आने वाले हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें लगातार हम सक्रिय रहेंगे और जो है पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। सभी हमारे सीनियर लीडरान, हमारे बूथ कार्यकर्ता, बूथ एजेंट, हमारे काउंटिंग एजेंट, सभी मिलके जो है कांग्रेस को खड़ा करने का काम करेंगे और अगले चुनाव में जो है हम कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। ये जो आपका देखिए, अभी सभी सीनियर लीडर्स इस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो कमियां रह गई, कुछ कमी तो रही गई हमारे से, शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं रहा, नहीं तो सब ने बहुत मेहनत की। मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि सब ने जो है इसको, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने इस चुनाव को बहुत मिलजुल के लड़ा और बहुत एग्रेसिव तरीके से हम चुनाव लड़े। कहीं ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि हमको हार मिली। मंगलौर चुनाव में हमारे काजी जी हमारे पहले भी कैंडिडेट रहे हैं और उनको अच्छा अनुभव है, वो क्षेत्र के, उस क्षेत्र के वो नेता हैं, निश्चित रूप पर वही हमारे कैंडिडेट होंगे। आपका कौन सा रहेगा सर विधानसभा? देखिए, मैं लोकसभा का कैंडिडेट रहा हूं और पार्टी का मेरे से बहुत उम्मीद है, मुझे भी पार्टी से बहुत उम्मीद है और निश्चित तौर पर मैं एक सेवक के रूप में जो है पूरे 5 साल काम करूँगा और अगली बार जो है इस सीट को, लोकसभा को जीतने का प्रयास करेंगे। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा।